हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको शेयर करूंगी भिंडी आलू की सूखी सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी बहुत ही चटपटा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम भिंडी ले लिया है, और ये छोटा वाला भिंडी है, मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा बीज नहीं होता है। इस तरह का भिंडी आपको लेना है। और यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया है, और इसका छिलका को मैंने निकाल लिया है। अभी इसको हम कट करेंगे। तो इस तरीके से जो छोटे भिंडी है, मैं इसको दो पार्ट्स में इसको कट कर रही हूँ। जो थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करके कट कर रही हूँ। और आलू को भी थोड़ा सा मोटा मोटा कट करना है भिंडी की जैसा। तो इसी तरीके से मैंने सारे आलू को कट कर लिया है, और भिंडी को भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी इसको हम फ्राई करेंगे, मतलब कि इसका सब्जी बनाएंगे। तो कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाल दिया, और यहाँ पर मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पर डाल देंगे भिंडी को और इसको भून लेंगे। आलू को हम बाद में भूनेंगे, पहले हम भिंडी को भून करके निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसको भून लेना है। और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे, बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर खुला रख करके इसको कम से कम 6 से 8 मिनट के लिए भून लेना है। और यहाँ पर अभी नमक नहीं डालना है, बाद में हम नमक डालेंगे। तो सिर्फ हल्दी डाल करके इसको हाई फ्लेम पर खुला रख करके 6 से 8 मिनट तक भून लेना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक। तो 6 से 8 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं भिंडी हमारा भून चुका है, हल्का सा यहाँ पर कलर आ गया है, थोड़ा सा ब्राउन कलर ऊपर से आ गया है। इतना तक हमें भूनना है, और इसको अभी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे भिंडी को निकाल ले रही हूँ। इसी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया। अभी इसी कढ़ाई में मैंने और 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया, मैं यहाँ पर डाल दिया सरसों। सरसों को यहाँ पर अच्छी तरह से चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ। 3-4 लहसुन की कलियाँ को मैंने चॉप करके लिया है, और इसको हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैं 2 प्याज ले लिया है, और इसको लंबा स्लाइस में थोड़ा सा मोटा मोटा करके इसको कट लिया है। और ये भिंडी की सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा प्याज अच्छे लगते हैं। प्याज और ये भिंडी का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है। और यहाँ पर हम डाल देंगे एक सूखी मिर्च, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसको कच्चा ही रखना है, इसको सॉफ्ट नहीं करना है कि इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम डाल देंगे आलू को, और आलू और प्याज को हम दोनों को एक ही साथ पकाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल लेंगे, पहले से भी हम भिंडी में डाले हैं तो उसी के हिसाब से 1/2 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल लेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक करके कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, या फिर आलू जब तक अच्छे से ना पक जाए तब तक इसको पका लेना है। तो आलू और प्याज यहाँ पर दोनों एक ही साथ पकेंगे। तो 8 से 10 मिनट के पकने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आलू और प्याज हमारा थोड़ा सा भून गया है, और बीच में मैंने कम से कम इसको 2 से 3 बार चला भी लिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं आलू ऑलमोस्ट पक गया है, और थोड़ा सा कसर यहाँ पर बाकी है। इसी स्टेज में हम यहाँ पर भिंडी को डाल लेंगे, ये फ्राई किया हुआ भिंडी को डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। और अभी यहाँ पर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक सॉल्ट ले लिया है, यानी कि काला नमक 1/4 टीस्पून, और यहाँ पर सादा नमक 1/2 टीस्पून। तो दो टाइप के हम यहाँ पर नमक डाल रहे हैं, तो आपको ध्यान से डालना होगा। और 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डाल लेंगे, किचन किंग मसाला 1 टीस्पून, और कलर के लिए यहाँ पर कश्मीरी चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। अभी इसको मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर किचन किंग मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से भून लेना है ढक करके, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको भून लेंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पर आलू और भिंडी पक चुका है, अच्छी तरह से यहाँ पर भून गया है। तो लास्ट में हम थोड़ा सा गरम मसाला हम डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून, चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला मैं यहाँ पर डाल दिया। और कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून डाल दिया यहाँ पर, रोस्टेड कसूरी मेथी का मैंने यूज़ किया है। और इसको मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर चटपटा भिंडी मसाला सब्जी बनकर के रेडी हो गया है। चाट मसाला की जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।